हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो द डेविल पनिशर ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की पार्ट 5 वीडियो होने वाली है। तो अगर आपने इस ड्रामा एक्सप्लेनेशन सीरीज की मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखी हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप पहले उन वीडियोस को देख ले। तो बिना कोई देरी किए चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 5 स्टार्ट होती है और प्रोफेसर लू शिनू को हग करता है और बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे ही पसंद करता हूँ और चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अब से तुम मुझे मेरे नाम से पुकारोगी और मेरा नाम है बोया तो मैं भी अब से उसे बोया कह के ही एड्रेस करूंगी। एनीवेज, इधर दूर से झोंग कुई उन दोनों को हग करते हुए देख लेता है। तभी शिनू देखती है कि झोंग कुई वहाँ खड़ा हुआ है, इसलिए वो बोया को अपने से दूर कर देती है। लेकिन तब तक तो झोंग कुई उन दोनों को एक साथ देख के अपसेट होके चला गया था। तो रूम में शिनू ये सोचती रहती है कि क्या तब झोंग कुई उससे मिलने आया था। अगले दिन शिनू और इन्ही जब कॉफी शॉप में जाते हैं तब वहाँ इन्ही की माँ ने जिन जिन से पैसे लिए थे वो लोग आते हैं और इन्हीं को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगते हैं। तो ये देख के शिनू झोंग कुई का नाम पुकारती है और ये सुन के झोंग कुई तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर इन्हीं की माँ दूर से उन गुंडों को इन्हीं को परेशान करते हुए देखती रहती है लेकिन फिर भी वो उसके सामने नहीं जाती। तो इन्हीं उन गुंडों से परेशान होके चीखने लगती है। तभी उसकी माँ वहाँ जाती है और सभी गुंडों को बोलने लगती है, तुम लोग इन्हीं के बजाय मुझे यहाँ से ले जाओ। तो वो लोग इन्हीं के माँ को वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ झोंग कुई आता है और अपनी पावर से सभी गुंडों का सर दर्द करवाने लगता है। तो इतने सर दर्द की वजह से वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एन ही उसकी माँ को लेकर कॉफी शॉप के अंदर जाती है जहाँ उसकी माँ उसे बोलने लगती है कि वो चाहती है कि वो और जुआ ना खेले और वो अपने नशे की लत को छोड़ना चाहती है, इसीलिए ही वो कुछ ही दिनों में हॉस्पिटल में भर्ती होंगी। और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले वो सभी लोगों को उनके पैसे लौटा रही थी, इसीलिए ही उसने इन्हीं के पास से पिछले टाइम पैसे लिए थे ताकि वो उस पैसों से अपना ट्रीटमेंट करवा पाए और नशे की लत को छोड़ पाए। ये सब सुन के इन्हीं रोने लगती है और उसकी माँ को बोलती है, मैं भी चाहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस नशे के लत को छोड़ दो ताकि हम दोनों एक साथ अच्छे से अपनी लाइफ को बिता पाए। इसके बाद इन्हीं के माँ के जाने के कुछ ही टाइम बाद गुआंग किंग कॉफी शॉप में आती है और शिनू को बोलती है, तुमसे बहुत दिन बाद मिलके अच्छा लगा। ये सुन के शिनू क्यूरियसली गुआंग किंग से पूछती है, क्या तुम मुझे पहचानती हो? तो गुआंग किंग उसे उसके बारे में बताने ही जाती है कि तभी झोंग कुई वहाँ आ जाता है और गुआंग किंग को कुछ भी बोलने से रोक देता है। फिर वो दोनों एक जगह पर जाके बैठ के बातें करने लगते हैं और उन दोनों को इतने क्लोज देख के इन्हीं शिनू को बोलती है, शायद वो दोनों कपल हो सकते हैं। ये सुन के झोंग कुई चीख के बोलता है, नहीं हम दोनों कपल नहीं है। इसके बाद शिनू गुआंग किंग के पास जाके फिर से अपने बारे में पूछती है। तो गुआंग किंग बोलती है, मैं तुम्हें तो पहचानती ही हूँ और इसके साथ साथ मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा और जेंग नन का क्या रिलेशन है। तो झोंग कुई ने शिनू समेत ह्यूमन वर्ल्ड के सभी को उसका नाम जेंग नन बताया था। तो ह्यूमन वर्ल्ड में सभी उसे जेंग नन के नाम से ही जानते थे। एनीवेज, तो गुआंग किंग शिनू को और भी कुछ बताने ही जाती है तभी झोंग कुई उसे वहाँ से ले जाता है और बाहर जाके वो दोनों बातें करते रहते हैं और शिनू उन दोनों को इतने क्लोज देख के जेलस होती रहती है। गुआंग किंग झोंग कुई को बोलती है, शिनू तुम्हें अंडर वर्ल्ड में बहुत ही पसंद करती थी लेकिन तब तुमने उसे उतना भाव नहीं दिया। तो ये सुन के झोंग कुई बोलता है, मुझे लगा था कि वो मेरे साथ रह के खुश नहीं रहेगी। ये सुन के गुआंग किंग बोलती है, शिनू अंडरवर्ल्ड की तरह ह्यूमन वर्ल्ड में तुम्हें पसंद ना भी कर सकती है और तुम्हारा जो राइवल है वो तुमसे ज्यादा शातिर है और बहुत रोमांटिक भी है, वो तुम्हारे प्यार को चुरा ले सकता है। ये सुन के झोंग कुई शिनू के तरफ देखता है जहाँ वो देखता है कि बोया शिनू के लिए फूल लेके आया है और वो उन फूलों को शिनू को देता है। ये सब देख के गुआंग किंग झोंग कुई को चिढ़ाने के लिए बोलती है, अगर मैं शिनू के जगह पर होती तो मैं बोया के साथ कब का रिलेशनशिप में जा चुकी होती। ये सुन के झोंग कुई बहुत ही गुस्सा हो जाता है। तभी गुआंग किंग वहाँ से चली जाती है और झोंग कुई कॉफी शॉप में गुस्से से जाता है तो बोया उसे देख के हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है लेकिन झोंग कुई हाथ मिलाने के बजाय गुआंग किंग ने जो कॉफी पिया था उसके लिए बोया को पैसे देता है और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तो शिनू बाद में झोंग कुई के बिहेवियर के बारे में सोच के ये सोचने लगती है कि बोया ने शिनू को जो फूल दिया था क्या ये देख के झोंग कुई जलस था। तो ये सब सोच के वो सोचती है कि वो झोंग कुई से मिलने जाएगी लेकिन तभी वहाँ बोया आता है और शिनू को बोलता है कि वो उसके घर में उसको छोड़ने जाएगा। ये सुन के शिनू ना चाहते हुए भी बोया को रिजेक्ट नहीं कर पाती तो वो दोनों एक साथ घर जाने लगते है और ये सब कुछ वीडियो में झोंग कुई देख के जलस होने लगता है। तो झोंग कुई को जलस देख के चेंग हुआन और गुआंग किंग दोनों ही शिनू को पटाने
के लिए तरह तरह के आइडियाज देने लगते हैं। इन सब से झोंग कोई पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है। तो बोया शिनू को घर पहुंचाता है। इसके बाद वो शिनू के बालों से कुछ हटाने जाता है, लेकिन शिनू उसे उसके बाल नहीं टच करने देती। इसके बाद बोया शिनू से कुछ बातें करके चला जाता है और उसके जाने के बाद शिनू सोचने लगती है कि अच्छा होता अगर झेंगनान भी बोया के तरह ही रोमांटिक होता तो शिनू पूरा ही झोंगकुई से प्यार करने लगी थी। तो शिनू ये सब कुछ सोचती रहती है, तभी ग्वांग किंग झोंगकुई को धक्का मार के शिनू के पास भेज देती है और अचानक से झोंगकुई को वहाँ देख के शिनू खुश हो जाती है। फिर झोंगकुई कुछ बहाने से शिनू को उसके घर में बुलाता है। तो शिनू उसके साथ उसके घर जाती है और इतना शानदार घर देख के झोंगकुई से पूछती है, तुम तो इतने पैसे वाले हो, फिर वे क्यों तुम ग्रैनियों के बेकरी में काम करते हो? तो झोंगकुई उसे बोलता है, तुमने ही तो मुझे ग्रैनियों को हेल्प करने बोला था और तुम जो भी चाहो मैं वो करूंगा। ये सुन के शिनू शर्मा जाती है। इसके बाद झोंगकुई देखता है कि चेंग वन और ग्वांग किंग ने उन दोनों के लिए वेजिटेबल्स भेजा है ताकि वो दोनों कुकिंग कर सके। तो शिनू झोंगकुई के लिए खाना बनाने लगती है और झोंगकुई उसे खाना बनाते हुए बहुत ही क्यूटली देखता रहता है। फिर वो दोनों खाने लगते हैं, जहाँ शिनू मन ही मन में सोचती है क्या झेंगनान उसे अपने दिल की बात बताने वाला है। ये सोचते हुए वो देखती है कि झोंगकुई के फेस में खाना लगा हुआ है, तो इसीलिए वो उसको साफ करती है। इसके बाद उन दोनों का आई कॉन्टेक्ट होता है, जिससे शिनू शर्मा के जल्दी से कुछ बहाना करके वहाँ से चली आती है और उसको ऐसे जाते हुए देख झोंगकुई समझ नहीं पाता कि क्यों वो इतनी जल्दी वहाँ से चली गई। तो घर जाके शिनू झोंगकुई के बारे में ही सोचती रहती है और इन्हीं जब उससे पूछती है कि क्या वो बोया के बारे में सोच रही है, तब शिनू उससे बोलती है कि वो जानती है कि बोया बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी वो बोया को पसंद नहीं कर पा रही है और बोया को देख के उससे डर भी लगता है। ये सुन के इन्हीं उसे समझाती है कि शायद उसे बोया के साथ और भी टाइम स्पेंड करना चाहिए ताकि वो बोया को और भी अच्छे से समझ पाए। अगले दिन इन्हीं कॉलेज जाके बोया को बोलती है कि क्यों शिनू उसको अब तक भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। ये सुन के बोया उसे बोलता है कि वो कुछ भी करेगा शिनू को खुश करने के लिए। उधर ओयांग काई झोंगकुई को बेकरी में हेल्प करता रहता है और बातों ही बातों में उसे बताता है कि बोया शिनू के साथ यामुचिन के बर्थडे पार्टी में जाने वाला है। ये जान के झोंगकुई शाम को रेडी होके शिनू को उसके घर में लेने जाता है ताकि वो दोनों एक साथ यामुचिन के बर्थडे पार्टी में जा सके। तभी शिनू सुंदर से सज के घर से बाहर निकलती है और शिनू को देख के झोंगकुई कुछ टाइम के लिए स्टंट हो जाता है, लेकिन तभी शिनू के पीछे से बोया निकलता है और वो झोंगकुई के सामने से ही शिनू को अपने साथ लेकर चला जाता है और ये सब कुछ झोंगकुई दूर से देखता रहता है। इसके बाद शिनू बोया के साथ पार्टी में जाती है और वहाँ पहुँचते ही वहाँ पे मौजूद सभी उसे घूर घूर के देखने लगते हैं और वहाँ इन्ही और ओयांग काई भी आए हुए थे। तो बोया शिनू को वहाँ छोड़ के किसी के साथ बातें करने जाता है। तभी यामुचिन शिनू के पास आती है और शिनू मुचिन के बॉडी में जियाची का भूत देखती है। ये देख के वो जियाची के भूत से पूछती है क्यों तुम किसी और के बॉडी को यूज कर रहे हो। ये सुन के यामुचिन गुस्सा होके शिनू के तरफ वाइन फेंकती है और यामुचिन को ये सब करते देख इन्हें गुस्सा हो जाती है और वो भी यामुचिन के तरफ वाइन फेंकती है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा होने लगती है। लेकिन ओयांग काई उन दोनों को रोकता है। तभी अचानक से पियानिस्ट अजीब तरीके की धुन बजाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देख के शिनू डर जाती है। तभी एक लड़का अचानक से शिनू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन बोया आके शिनू को बचाता है और उस लड़के को मारता है। फिर शिनू और बोया देखते हैं कि उस पियानिस्ट के धुन की वजह से ही वहाँ के सभी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो बोया एक पौधे से कुछ पत्ते को लेकर उस पियानिस्ट को वो खिलाने जाता है, लेकिन वहाँ एक आदमी उसे रोक लेता है। उधर वो लड़का उठ के फिर से शिनू के ऊपर हमला करने जाता है, तो वो झेंगनान कह के पुकारती है और फिर अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी वहाँ कोई आके उस लड़के को मारता है और उधर बोया भी कैसे भी करके उस पियानिस्ट को वो पत्ते खिला देता है, जिसके बाद उस पियानिस्ट के बॉडी से काले रंग का धुआं निकलता है और वो पियानिस्ट वहाँ बेहोश हो जाता है और उस पियानिस्ट के रुक जाने के साथ साथ ही सब कुछ ठीक हो जाता है। तो बोया शिनू को वहाँ से घर लेकर जाने लगता है और झोंगकुई यामुचिन के घर में जो भी हुआ है इसके बारे में आफू को पता लगाने बोलता है। उधर बोया शिनू को लेकर घर जाता है और इन्हीं ओयांग काई को लेकर घर जाने लगती है, जो कि तब पूरा ही नशे में था। तो घर पहुँच के शिनू बोया से पूछती है कि उसे कैसे पता था कि उस पत्ते को खिलाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बोया बोलता है कि आज पार्टी में जो भी हुआ उसके पीछे शायद कोई मिस्टीरियस फोर्स है और मैं इन सब चीजों के बारे में
मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। ये बोल के बोया बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। ये बोल के वो चला जाता है। उसके जाने के बाद शिनू सोचती है, अच्छा होता अगर झिंगनन भी मुझे ऐसे ही प्यार करता तो। वही एन ही ओयंग काई को उसके घर में ले जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद ही कोई दरवाजा नॉक करता है, तो एन ही दरवाजा खोलती है और देखती है कि यामुचिन आई है। तभी अचानक से यामुचिन बेहोश होके जियाची का भूत ओयंग काई के तरफ जाने लगती है और जियाची के भूत को देख के एन ही वहाँ ही बेहोश हो जाती है। तो जियाची ओयंग काई के पास जाके उसके चेस्ट में सर रख के सो जाती है और यहाँ ही ये पार्ट खत्म होती है। यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड।